गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज आज है सरस्वती पूजा और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं सुबह से बहुत जो भी तैयारी वारी होता है तो आप तो समझते हैं ना, तैयारी जो भी होता है तो वो सब कर चुके हैं। और बस ये देखिए, यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ये साड़ी पहनी हुई, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं सब देख सकते हैं। तो बस अभी मैं आप रेडी हो चुकी हूँ और मैं चल रही हूँ पूजा करने। तो मैं पूजा कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपसे बात भी करती हूँ। लेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर अब त्योहार में तो पता ही है कितना काम होता है, तो सब हो चुका है। अब चलिए आगे मिलते हैं आप सबसे, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं पूजा रूम में। और यहाँ पे ना पहले से मेरे हस्बैंड और चीकू दोनों पूजा कर लिए थे, क्योंकि ये लोग को पहले ही सब काम हो जाता है तो ये लोग कर लेते हैं। तो फ्रूट वगैरह देखिए चढ़ाए हैं, तो मैं थोड़ा सा उसे साइड में रख दूँगी और यहाँ पे मैं फिर से साफ़ सफाई कर लूँगी ताकि मैं पूजा कर सकूँ। तो जैसे ये लोग हैं ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो ये लोग जल्दी पूजा कर लेते हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह करना होता है। तो इसीलिए ये लोग पूजा कर लिए, फ्रूट वगैरह सब जितना चढ़ता है ना, 5-6 तरह का जो भी मतलब पॉसिबल हो सके चढ़ाए थे। तो वो देखिए मैं भी यहाँ से इधर रख देती हूँ साइड में अलग, और फिर मैं दूसरा प्लेट और कटोरी ले लूँगी, उसमें मैं फ्रूट लड्डू और जो भी प्रसाद वगैरह है सब मैं चढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ बस पानी लेने पूजा का। और पूजा के पानी लेके तो आप सबको पता ही है ना कि पूजा के पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं पहले सूर्यदेव को जल देती हूँ, फिर तुलसी माँ को जल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा रूम में बैठ के आराम से पूजा करती हूँ। और डेली का पूजा भी मैं इस तरह से ही करती हूँ। और देखिए ये देखिए यहाँ पे है सब भोग लगाने का सामान, देखिए मेरा रखा हुआ था, आपने देखा लड्डू वगैरह फ्रूट वगैरह जितने भी होते हैं, गाजर खीरा और मतलब सेब वगैरह केला चना ये सब जो होता है, तो ये सब मैं निकाल के अब रख लूँगी। और यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर ली, तो मैं उतना ज़्यादा पूजा का कितना हर समय दिखाऊँ। तो मैं पूजा करने के बाद अब यहाँ पे मैं संध्या दिखा रही हूँ, मतलब संध्या नहीं, मतलब इसको दिया दिखाना बोलते हैं, आरती करना बोलते हैं, संध्या तो शाम को बोलते हैं ना, ये सुबह में। और फिर पूजा करके आरती वगैरह करके सब घर में दिखा के फिर यहाँ पे देखिए हमारे घर में ही, मतलब हम लोग जिस फ्लैट में हैं यहीं पे है, माँ का भी हुआ है, मतलब माँ भी आई हैं, माँ को भी यहाँ पे किया गया है पूजा सरस्वती माँ का। तो ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा दीपक वगैरह जला देती हूँ आकर के। यहाँ पे पूजा हुआ था लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सकी पूजा में, मतलब मेरे घर में ही है लेकिन ना मतलब कहाँ कहाँ करे, तो फिर यहाँ पे मैं लास्ट में आई, लेट हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना सब काम वगैरह करके फिर आना होता है। और यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट छोड़ने सोची थी, तो म्यूजिक बज रहा था ना माता रानी का, तो मैं सोची कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इस वजह से मुझे सारा कुछ हटाना पड़ा। तो बहुत अच्छा सुंदर से माता रानी का मतलब भजन यहाँ पे चल रहा था। और तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं पूजा कर ली हूँ, बस अभी यहाँ पे पूजा करके मैं गई हूँ यहाँ तुरंत, मतलब चुनी वगैरह माँ पे अभी चढ़ाई हूँ, सब कर ली हूँ, बहुत लेट हो गया पूजा वूजा करने में। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ना सब काम वाम करते करते बहुत लेट हो जाता है फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा। और बस मैं आ गई किचन में, और ना मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ पूड़ी भुजिया सब्जी और सेवई, और फिर रात में खाना भी हम लोग का साथ, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं ना सबका साथ में है, तो रात का खाना फिर वहीं हुआ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ और पनीर वगैरह नहीं बनाई हूँ आज। तो ये देखिए मैं भुजिया यहाँ पे सिंपल सा आलू का जो भुजिया होता है ना वो, और सब्जी है और सेवई, सेवई तो मतलब पूड़ी वगैरह में अच्छा लगता है। और सुबह से मैं चाय पी पी कर काम कर दी, कितना ज़्यादा चाय पत्ती इकट्ठा हो गया है मेरा बर्तन में। तो मैं घर में रहती हूँ ना, तो मतलब कि हम लोगों को तो खाना नहीं खाना होता है, तो 3-4 बार चाय पी लेती हूँ काम करते करते ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है चाय पत्ती, देखिए कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था उसमें, मैं दिखा रही थी। तो बस आ चुकी हूँ मैं नाश्ता करने, बहुत तेज़ भूख लगी है फ्रेंड, तो आप लोग भी आइए खाइए, बताइए कैसा है मेरा ब्रेकफास्ट। तो सिंपल सा सब्जी भुजिया सेवई पूड़ी है, तो ये चलिए खा लेते हैं। फिर इसके बाद ना, तो ये मैं देखिए आप सबको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि सब्जी है, लेकिन मुझे मन नहीं करता, मैं भुजिया सेवई पूड़ी खा रही हूँ, मतलब सब्जी कभी कभी ना मन नहीं करता है पूड़ी वगैरह के साथ, पूड़ी आलू का भुजिया सेवई बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। अभी जस्ट उठी थी, अभी देखिए चीकू का मैं मंगाई थी टी शर्ट, एक मतलब अच्छा ही था, तो वो भी आया है जस्ट, अभी आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। तो जस्ट आया मैं नाश्ता करके उठी ना, तो बस बेल बजा तो मैं देखी चीकू का, सुबह से वेट कर रहा था कि मैं आज यही पहन के पूजा करूँगा, और ये पूजा वूजा कर लिया ना तब आया है, देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा था इसलिए मैं मंगाई थी। ये देखिए कितना सुंदर कलर वलर है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, देखिए अरे कितना सुंदर है। ये वेट कर रहा था मेरा बेटा कि इसी को पहन के पूजा करेंगे, और देखिए अभी आया, जब पूजा कर लिया तब आया, देखो देखिए अच्छा है ना,
बहुत सुंदर है, मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है एकदम, देख सकते हैं आप। और ये ना सुबह से चीकू इंतजार कर रहा था कि मेरा कपड़ा आएगा, आज ही आना था, बट पूजा वगैरह कर लिया तब आया। और उसके बाद फिर मैं वही माता रानी के पास, हम लोग का सारे जितने भी सब लोग थे ना सोसाइटी के, सब लोग साथ में मिलके पूजा वगैरह किए थे, प्रसाद वगैरह था, नाश्ता ये सब था। तो मैं उस टाइम तो रोटी खाई थी, सिंपल था, तो मैं बाद में नाश्ता कर लेती हूँ, जलेबी वगैरह समोसा ये सब था। और उसके बाद ना फिर स्वीट्स भी था। फिर वो करने के बाद ना देखिए यहाँ पे भी मेरे जो बिल्डिंग है ना उसके नीचे में भी जो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे भी सरस्वती माँ रखाई है, यहाँ पे भी पूजा हो रहा है, तो देखिए सारे भीड़ लगे हुए हैं ना, और यहाँ पे मूर्ति भी बनता है। अब इसके बाद ना छुट्टी थी घर में, मैं भी थी, हस्बैंड भी थे, तो आप सबको मैं दिखाई हूँ ना पहले जो मेरा मतलब हम लोग खुद अपना फ्लैट जो ले रहे हैं वो बन रहा है। पहले भी बहुत सारा वीडियो मैं शेयर की हूँ, दो तीन वीडियो में जब मैं जब जब जाती हूँ तो शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो अब ना बन के हो चुका है रेडी और अब एकदम फाइनल स्टेज में है। तो बस न्यू घर यहाँ पे यहाँ बन रहा है उनका घर, ये देखो फ्लैट, ये देखो बन चुका, ये देखो, ये देखो मम्मा देख ना मामा, इनका घर घूम रहे हैं न्यू घर में। बाथरूम नहीं हुआ अभी, बाथरूम फिर आना बैठा नहीं, फिर नहीं बैठा, नहीं बैठाया मम्मी को ऊपर दिखाई देता है। हम वो छत देना, आपको अपना घर देखने आते हैं ना, अपना रूम, अपना किचन, देखो मेरा, ये देखो मेरा किचन पहले भी डाले हैं। अब तीन चार महीने में बस हम लोग का गृह प्रवेश ना बेटा, ये रूम तुम्हारा है ना, हाँ अच्छा वो ये पूजा रूम इसी को बनाए बाहर नहीं। अरे देखो मेरा एक और बाथरूम, अरे देखो हम लोग का बेडरूम कितना, हम लोग का बेडरूम कितना बड़ा है देख लो, हॉल देख लो कितना बड़ा है, बाथरूम का दिखा, बाथरूम भी दिखा रहे तो कितने दिखाएंगे, एक ये बाथरूम है तुम्हारा भी दिखा दे छोटा वाला पॉसिबल सूट होगा। तो इसके बाद फिर देखिए निकल गए, कितना अच्छा लग रहा है, पूरा बंद के हो चुका है रेडी, बस बाहर से प्लास्टर बचा हुआ है और टाइल्स वगैरह लगेगा, दरवाज़ा लगेगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे गृह प्रवेश करके। तो बस वही देखिए हम लोग दोनों पैदल ही गए थे, बस यहाँ पे मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना उसके बगल में ही है। और यहाँ देखिए चीकू को, जहाँ इसको डॉगी दिख जाए ना बस ये खेलना स्टार्ट कर देता है डॉगी के साथ में, तो ये फंस गया है अंदर में, तो बस उसी को निकाल रहा है, पापा कैसे करे, पापा देखिए ना फंस गया है, पापा निकाल दीजिए ना पापा। वही मैं बोलूँ तुम जहाँ जाते हो तुमको डॉगी बच्चे इतने पसंद है ना कि तुम उसको देखने लगते हो, अब वो उधर फंस गया है निकलने नहीं पा रहा है। तो लास्ट में फिर मेरे हस्बैंड जा करके निकाल दे, बोले हटो तुम तो ऐसे करते हो ना, वो बोले कि निकल जाएगा, बस तुम सुनता नहीं है, बोले नहीं पापा नहीं निकल पाएगा, पापा नहीं निकल पाएगा, पापा कैसे निकाले। तो फिर ये निकाल रहे थे खाना खाने रात का, नीचे में ही खाना है, पूरी सोसाइटी का हम लोग का बताया थे ना वो पूजा हुआ है नीचे में, माँ सरस्वती का प्रतिमा है सब है, तो नीचे में खाना खाने जा रहे हैं। तो बस अभी रेडी हूँ, देखिए बस निकल रही हूँ नीचे, फिर आगे मिलती हूँ आप सबसे। और यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी नीचे, बोले ना कि आज सबका साथ में पूरे सोसाइटी के लोग का खाना है, तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, चीकू भी खा रहा है, पर चीकू है शर्मिला, सबके साथ में नहीं खाना चाहता है, वो लेकर के ऊपर आ गया। फ्रेंड आ गई हूँ खा के, मैं तो खा ली, ये शर्मिला बॉय नहीं खाया, ये देखिए इसे खाना लेके आई हूँ, अभी छोड़ दिया प्लेट में लिया और खाना पूरा छोड़ दिया, तभी लेके आई हूँ, देखिए लेके बैठा है चम्मच चम्मच खाने के लिए, हाँ वहाँ नहीं खिला रहा था क्यों, शर्म आती है सबके सामने खाने में ना, शर्म आती है, शर्मिला बॉय है ये सबके सामने नहीं खाता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को मैं एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, मैं फिर मिलती हूँ अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।